जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड भी बात करेंगे, तो बिल्कुल जी, हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हम कितनी भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो जाएं, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ी सी तगोदो करनी ही पड़ती है। उसके लिए हमारी ग़िज़ा, हमारा एक लाइफस्टाइल, वो बहुत मैटर करता है। आज हमने जो हमारी मेहमान बुलाई हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशन, तो वो हमें दोनों अंदाज में चीज़ों को बताएंगी, और इस तरह से नहीं कि हमने फाके करने हैं और हमारी स्किन पे भी असर पड़ जाए, उस लिहाज से हमारी जिस्म में कमज़ोरी हो जाए, ये भी नहीं होता कि आप इस तरह से स्टाफ करें। और अब तो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, तो बहुत आसानियां हमारे लिए बढ़ जाएंगी इस हवाले से। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अमूमन वैसे करते तो रहते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वक्त रमज़ान करीब है और रमज़ान में सबका जो है स्केड्यूल बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, कोई बहुत कम खाता है, और डिस्टर्बेंस फिर भी हमारी लाइफ में इस हवाले से रहती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिक जो आप समझते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए एक हेल्दी डाइट के साथ, वो किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं? एग्जैक्टली, हम रमज़ान की बात कर लेते हैं और कुछ डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, साथ में थायराइड की बात कर लेते हैं बच्चों के लिए, और एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो रमज़ान में क्या होता है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा खोलने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, खजूर से हमें स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैदा होता है वो तजावियत का एक लेवल रखता है। अगर वो खाली हुआ है काफी डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक लेवल बढ़ जाता है, तो खजूर क्या करता है, उसकी जो एक हमारे पास एसिडिक लेवल होता है उसको नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी हो, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, बेशक वो डायबिटीज के हो या कोई भी हो, मैं ये बोलती हूँ कि उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, एक दो हफ्ता पहले ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि रिवर्सिबल डायबिटीज को कर सकें, क्योंकि फास्टिंग जो है, बेशक वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग हो या फिर फास्टिंग हो, वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डायबिटीज का सबसे ज्यादा इशू होता है, क्योंकि उसके साथ तीन इशू होते हैं, न्यूरोपैथी की तरफ जाता है, वो नेफ्रोपैथी की तरफ जाता है, या फिर रेटिनोपैथी की तरफ जाता है। तो ज्यादा जो फोकस हमारा होता है वो डायबिटीज की तरफ होता है, ठीक है। और दूसरा इशू क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं या पेशेंट होता है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही होती है ना बॉडी के अंदर, क्योंकि पूरे 16 आवर का अगर हमारे पास हम रोजा रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम 8 आवर की फास्टिंग कर लें तो हम इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन हमें प्रॉपर तरीके से मिलनी नहीं होती। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमारी इफ्तार स्टार्ट होती है तो इन दी फॉर्म ऑफ थोड़ा थोड़ा पानी जो है हमें पीना चाहिए, बिल्कुल सिप फॉर्म में, लेकिन पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने एक गिलास पानी गटका, दो गिलास पानी पिए और हमने बोला हमारे पानी की इंटेक जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं। वही चीज थोड़ा सा एड ऑन आपकी बात में करूंगी कि एक तो रमजान, ऊपर से गर्मियां, तो हमारी जो फूड की जो एक लिस्ट एक होनी चाहिए वो बेसिकली किन चीज़ों पे हो मुश्तमिल, कि हमें आसान हो ये समझना कि जी हमने इस टाइम इस तरह की चीज़ खानी है तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी और इन चीज़ों से गुरेज करना है। Exactly. तो थोड़ा सा पहले हाईलाइट करें चीज़ों को, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पर। हाँ, जैसे अब देखिए हमारे पास तरबूज आ रहा है, खरबूजा भी आ रहा है, अब तरबूज का हम जूस बना के पी सकते हैं, हम खरबूज को यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी फ्रूट चाट बना सकते हैं। खरबूज की फ्रूट चाट कैसे बनेगी, थोड़ा सा दही उसमें ऐड कर दिया तो अच्छी फ्रूट चाट बन जाती है, वो आपके मैदे के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। साथ में फालसे आ रहे हैं, फालसे का शरबत बना के पिया जा सकता है, क्योंकि अब हमारा जो पैर डाकेट होता है ना वो पानी होता है, और जब हम पानी जैसे ही पीते हैं ना तो उससे एकदम चुभता है पेट में जाके, तो पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि पानी को इन दी फॉर्म ऑफ लाइक कोई जूस के फॉर्म में ले लिया जाए। अच्छा, जैसे ज्यादा सही है, रादर देन आप बिल्कुल इंस्टेंट वाटर ले रहे हो, चुभता है वो कभी भी। अच्छा। फील कीजिएगा, कोई भी चीज़ आप, कोई भी बंदा अगर पीता है वैसे वो चुभेगा, अगर आप जूसी फॉर्म में पी रहे हो तो वो ठीक हो जाती है क्वांटिटी में। हाँ, हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, अभी हम उनको फ्रीज कर सकते हैं, हम उनका जूस पी सकते हैं, हम उनकी स्मूदीज ले सकते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से इनको फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक जो मेरी जो क्वांटिटी में बोलती हूँ किस टाइम पे तरबूज वगैरह, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन, ठीक है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा। और अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ब्रोकली बहुत ज्यादा आजकल बहुत चल रही है, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम का जो लेवल होता है वो दूध से भी 3 गुना ज्यादा होता है। अच्छा। हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे चिकन के साथ हम सौते कर सकते हैं उसको, हम वैसे खा सकते हैं, हम सैंडविच की फॉर्म में ले सकते हैं, अगर हम सैरी में पराठा नहीं खाना चाह रहे तो हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से हम ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हैं, हम पीनट बटर यूज कर सकते हैं विदाउट शुगर,
ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एग्जैक्टली. और होता भी यही है कि हम मोस्टली ऑयली खानों की तरफ ज़्यादा जाते हैं जी. समोसे, पकौड़े, रोल, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले अपनी प्लेट में भरकर उनसे आगाज़ करते हैं अपने खाने का. सो दैट्स रॉन्ग. अच्छा, एक और हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि जब हमने रोज़ा खोल लिया, ठीक है, उस वक्त हमने खा लिया, अब हम जो देर तक, रात तक अब हम जाग रहे हैं, एक तो हम सोते नहीं हैं अमूमन, नॉर्मली हम जागते रहते हैं कि जी सहरी कर कर ही सोएंगे. उस दौरान हम इतना ज़्यादा कुछ उल्टा उल्टा खाना शुरू कर देते हैं. कभी जी ऑर्डर कर रहे हैं फलाना, कोई बाहर से फास्ट फूड आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, या फिर इफ्तार की आइटम्स ही थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने खाना शुरू कर दी, तो वो होता ये है कि सहरी के टाइम तक हम ऑलरेडी इतने फुल हो चुके होते हैं कि सहरी प्रॉपरली की नहीं जाती. ऐसा ही है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि ना एक एक घंटे के बाद अगर हम खाना स्टार्ट कर देना, तो हमारी इसी किस्म की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है. जैसे कि 8 घंटे थोड़ा थोड़ा करके चीव फॉर्म में खाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो वो हजम भी हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और लगेगा भी नहीं पता कि हमें ज्यादा हमारा पेट भर चुका है. बेशक वो जंक फूड हो, पहले तो खाना नहीं चाहिए लेकिन खाते हैं. सही. ड्रिंक जो है वो नहीं पीनी चाहिए, पीते हैं. हाँ, ये है वही वाली बात है ना, हमें जितना मना किया जाता है ना जिस चीज से, हम आई थिंक उसी की तरफ हमारा अंदर का दिल क्रेव उसी वजह से कर रहा होता है कि जो चीज मना की हमने वही पहले कर. ऐसा ही है. और जो ड्रिंक्स का नुकसान ये होता है ना कि डिहाइड्रेशन उससे बहुत ज्यादा हो जाती है. कॉन्स्टिपेशन का सबब जो बनता है वो ड्रिंक्स होती है, तभी हम मना करते हैं ना, फॉस्फोरिक एसिड नहीं लेना इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स, नहीं लो नहीं लो. क्यों? क्योंकि हमारी पहले ही किडनी जो है वो पानी के लिए तरस रही होती है, और जब हम पानी रोका हुआ होता है ऊपर से हम किडनी के लिए वो जूसेस को छोड़ के वो ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, तो हमारी जो डिहाइड्रेशन वाला सोल्यूशन होता है वो तो निकलता ही निकलता है, और कॉन्स्टिपेशन भी होता है. हाँ. और किडनी में स्टोन भी इसी वजह से बनता है. अच्छा, तो आपके हिसाब से हमें उन ड्रिंक्स को छोड़कर हमें रेगुलर जूसेस पर आ जाना चाहिए, जो पानी से भी बेहतर हो जाता है अगर हम खाली पेट के ऊपर उन सारी चीजों का इस्तेमाल करें. ओके, सही है. और दूसरा मुझे ये बताइएगा, एक तो डिहाइड्रेशन का जो आपने हमें बताया, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम एकदम से इतना पानी पी लेते हैं कि हमारा पेट फटने जैसा हो रहा होता है, और उसके बाद फिर हम कोई प्रॉपर चीज कुछ खा पी नहीं सकते. तो उसकी क्या लिमिटेशन रखनी चाहिए? लिमिटेशन 1 या 1.5 गिलास. अच्छा, इनफ है. इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं. आपको देखे ना, आपने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हुई, थोड़ी थोड़ी करके भी खाते हैं तो पेट भर जाता है. हमारे पाकिस्तानी कौम को या किसी के कौम को भी, बेशक वो बाहर और यहाँ पे सबको ठूसने की होती है, ये भी खा लो वो भी खा. अच्छा, वो एक हौका होता है, एक तरह से एक हौका है जो अक्सर होता है कि जब हमें ज्यादा भूख लग रही होती है ना, तो हमें होता है कि ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी पी लेंगे, लेकिन जब करने पर आते हैं तो 2 बाइट के बाद आई थिंक हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती है वो चीज, हम फिर भी खा रहे होते हैं कि नहीं खाना है, सारा दिन भूखे हैं, तो वो क्वांटिटी तो अपने पेट में निगलना है. कोशिश होती है हम लोगों की निगलना है, हमने खाना नहीं निगलना है. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या हमें फायदा हो सकता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है ना कि वैसे आम रूटीन में देखा जाए तो हम जो 16 आवर का फास्टिंग करवाते हैं ना, उसमें हम पानी तो रिकमेंड करते ही है, हम ब्लैक कॉफी भी रिकमेंड करते हैं पहले. जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो 30 मिनट पहले हम रिकमेंड कर देंगे, लेकिन अभी ये है क्योंकि फास्टिंग है, ये प्रॉपर फास्टिंग है, तो हमने इसका भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक शेड्यूल बना लिया. अच्छा, देखिए जैसे कि अगर 7 बजे रोजा खुल रहा है ना, और 2 बजे हमारे ना 2 से 3 आप लगा लो, 2-3 बजे सहरी के टाइम पे हमारे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के 8 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं. अगर हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी का इनटेक भी कम कंप्लीट कर लें, बेशक हम 4 से 5, 6, 7 गिलास तक ले जाएं, तो हमारी डिहाइड्रेशन का प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, और बाकी ये कि 16 आवर की जो हमारी फास्टिंग है वो भी हो जाएगी. सही. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आप ये हाईलाइट करके बताओ कि सहरी में कौन सी चीज हमें ज्यादा फायदेमंद रहती है खाने पीने के लिहाज से, और इफ्तार में सबसे ज्यादा? ओके, अब सहरी के लिहाज से देखा जाए ना, एक्स्ट्रा वर्जन ऑयली ऑयल जो होता है, अगर आप रोटी पे लगा के खाएं ना, वो बहुत कारामद साबित होता है. अच्छा, ठीक है. और साथ में हम ये कह सकते हैं देसी घी जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. कौन कहता है कि देसी घी के फायदे नहीं होते? बहुत फायदे होते हैं. और मक्खन, मक्खन ये नहीं कि मार्जरीन नहीं होता, मक्खन जो घर का बना हुआ होता है, या फिर आपको पता हो कि हाँ ये ब्रांडेड है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो आप ले सकते हैं. हाँ, दही का इंटेक आप कर सकते हैं. अच्छा, लस्सी ले सकते हैं, नमकीन लस्सी लेना चाहते हैं नमकीन लस्सी ले लें, अंडे की सफेदी ले लें. और कहते भी है कि लस्सी से तो आपको प्यास भी नहीं लगती. प्यास भी नहीं लगती, बात सच है. सही, बिल्कुल सच है. तो ये देखिए, हाँ ये होता है कि रात को हम दही रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उससे तेजाबियत पैदा होती है, चीनी वाली दही नहीं रिकमेंड कर सकते. हाँ, रायता वैसा ले सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल जो नमक और वो मसाले. एग्जैक्टली. और साथ में ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम अंडे की सफेदी ले लेना वो ज्यादा बेटर है पानी पर जोक के.
अच्छा फुल भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन वही वाली बात है, अगर आपका पूरा जो डे है उस लिहाज से डिसाइड होता है। एग्जैक्टली, अगर आपका बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है या आप एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से ये एक पराठा या इस तरह की चीज भी आपको हजम हो सकती है। लेकिन पराठा क्या होता है, उसका एक नुकसान बन जाता है। अगर घी में खाएं, घी तो अच्छा है, तो फिर तो पराठा खा सकते हैं। पराठा होता है ना, जिससे क्वांटिटी के साथ ग्राम्स रेट बढ़ जाता है। अगर हम रोटी की बात की जाए, रोटी का अपना ही मजा होता है। हाँ ये तो है। और वही वाली चीज है कि आपने अगर आगाज ही इस तरह का हल्का फुल्का किया, तो मेरे ख्याल से आपकी एनर्जी भी फिर डाउन हो सकती है। एक तो गर्मी, फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए अपने डेली रूटीन के कामों को निपटाने के लिए, ऊपर से आप रोजे में भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इन चीजों को देखना पड़ेगा। हाँ देखिये, साथ में अंडों की बात कर रही हूँ ना, अब अंडे की दो सफेदियां लेके साथ में अंडे की एक जर्दी लेके पूरा अंडा लेके आप उसका भी अच्छा ऑमलेट बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका दिल नहीं कर रहा रोटी खाने का, आप ब्रांड ब्रेड ले सकते हैं, आप साथ में पीनट बटर विदाउट शुगर ले सकते हैं। ये चीजें आपकी शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सही। तो अफतारी की बात जब करते हैं, अफतारी में ये है कि अगर आप समोसा ले रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट चीजें है ना, अब एयर फ्रायर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज होती है कि आप ज्यादा कार्ब्स अगर ले लोगे तो वो बॉडी में क्या होगा, पड़े रहेंगे तो फिर अच्छा फील नहीं होगा, फिर एंजाइटी फील होगी, फिर क्रेविंग्स भी ज्यादा होती हैं। तो हम ज्यादा रिकमेंड ही नहीं करते कार्ब्स। हम ये कहते हैं कि हाँ चिकन का पीस पड़ा हुआ है, आप टिक्की की फॉर्म में ले लो, आप टिक्का कोई भी बारबेक्यू का कोई पीस कुछ भी होता है आप ले सकते हैं। और वही वाली जो एक दफा भी हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था पोर्शन वाइज आप चीजों को ना डिवाइड कर दो, इतने कार्ब्स, इतने फाइबर, इतना प्रोटीन, तो उस लिहाज से आप चीजें भी सारी ले लोगे और कोई किसी चीज की ज्यादती भी नहीं होगी। ऐसा ही एक और चीज होता है समरा, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रीन जो वेजी हमारे पास वेजीज होती है ना, उनके कुछ खाने के कुछ देर बाद ना वो दूध का गिलास पी के सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो मोशन लग जाते हैं। अच्छा। हैजा जो होता है बहुत ज्यादा दिखा गया है। अच्छा, अक्सर लोगों को आदत होती है कि जैसे अक्सर रात में भूख लग रही है या वो कुछ और खाना नहीं चाहते, तो वो नीम गर्म दूध पीकर सो जाते हैं। ठीक है ना, दैट्स फाइन। अच्छा। एक घंटा पहले आप ले लो, क्योंकि आपको पता है किडनीज जो है ना हमारा काम कर रही होती है। अगर हम फौरन बाद सो जाएंगे ना, उसे क्या होगा, किडनीज फंक्शन कर रही है, फिर हम सो जाएंगे और गनूदगी में हो जाएंगे, फिर हमारा दिल नहीं करेगा वॉशरूम जाने का। Exactly. तो इसके लिए भी जरूरी है कि एक घंटे पहले आपने लेना ही लेना। सही। और वो जो लोगों की आदत होती है ना कि कुछ खाया पिया और फौरन जाकर सो गए, आई थिंक वो हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो भी खाएं पिएं, इवन वो डाइजेस्ट होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल तभी रखना होगा जब हम अपने आप से प्यार करेंगे। हमें ये पता होगा कि हम वो चीज़ ले रहे हैं तो हमारे लिए गलत है, तो तभी हम उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। ऐसा ही ईटिंग हैबिट्स बहुत मैटर करती है ना। हाँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो रात का काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें भूख लग रही होती है, हम फॉलो नहीं कर सकते डाइट Right. तो रात का बनाते हैं। अगर आप रात का करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उस तरीके से खाना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बताऊंगी। अब मैं भी मील प्लान अगर बनाऊंगी ना किसी का भी, तो मैं डिवाइड करती हूँ 3, 4, 5, 6। इट डिपेंड्स। अगर वो बोलते हैं कि हम ऑफिस टाइम पे काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, तो हम ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। सही। प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है ना, तरीके होते हैं बनाने। बिल्कुल। और वही वाली चीज है कि कैलकुलेटेड रहना पड़ेगा हमें हर चीज के लिए। जितने भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं, उसी में हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चलकर अपनी उन सारी चीजों को अडॉप्ट करना है, जो हमें सही तरीके से न्यूट्रिशन भी दे सके और हमारी डाइट को भी बेहतर बना सके। एग्जैक्टली। और साथ में वही वाली बात करती हूं समरा, कि हमेशा सप्लीमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। कैल्शियम जो है, हम इन द फॉर्म ऑफ चिया फॉर्म की टैबलेट्स भी होती हैं, हम वो भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, साथ में विटामिन डी है, हम डिफरेंट फॉर्म में सॉफ्ट जेल की फॉर्म में वो भी रिकमेंड करते हैं समरा। ये बहुत जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि विटामिन डी का टेस्ट आप भी करवाना चाहेंगी ना कहीं निकल आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भागते दौड़ते लोग हैं, उनमें भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, हमें बाहर नजर नहीं आती है, लेकिन जाहिर है अगर हम अपनी इंटेक का खाने की अच्छी रखेंगे तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। नहीं रख सकते ना, मसला ये है कि जंक फूड जो है आज डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो ऑफर करते हैं, इतनी डील लगी हुई है, इतना सब कुछ हुआ, डेफिनेटली नहीं कर सकते। और हम अपने लिए कभी टाइम निकालते नहीं ना, मसला सारा ये पता सब कुछ है, करेंगे नहीं, मोटिवेशन नहीं है ना। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर सवा, और जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, होप फुली कि अब हमारे लोग, हमारे जितने भी नाजरीन हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि उनके फॉलो करने से ही उनको अपनी सेहत में भी फ़र्क नमाया नज़र आएगा और उनको अंदाज़ा होगा कि हम कितने आसानी से जो है वो रमज़ान के महीने को भी गुजार रहे हैं, इफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, सहरियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ से हम दूर नहीं हैं। वो ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ हमने हमारे सामने से गा के गुजर गए, हम खा नहीं सकते थे। ख्याल रखेंगे तो आप हर चीज़ अपने मनपसंद की खा सकते हैं।